आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के पन्नों को आज हम पलटने जा रहे हैं दोस्तों, और आज हम चलेंगे 1972 में। 1972 में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट क्यों हुआ था दोस्तों? 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी पाकिस्तान को। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, पाकिस्तान के लगभग लगभग 95,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और भारत ने उनको बंदी बना लिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो शिमला एग्रीमेंट में क्या था? 1971 में ये युद्ध खत्म हुआ 16 दिसंबर 1971 और जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या था ये, हम बात करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बता दूं कि मैंने 1971 बहुत ही अच्छे से कवर किया है, कम से कम उसमें मेरे 7 सेशंस हैं। आप देख लीजिएगा इंदिरा गांधी की बायोग्राफी, आप देख लीजिएगा शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी, आप देख लीजिएगा पी एन हक्सर की बायोग्राफी, तो और भी मैंने बायोग्राफी कवर किए, मुझे समय याद भी नहीं आ रहा है। तो सब कुछ कवर्ड है बहुत अच्छे से, जरूर देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, नायक को कैसे भूल सकता हूं भैया, इंडो बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर के हीरो सैम मानेकशॉ, इनकी भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, और भी हैं, तो आप जरूर देखिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो आगे बढ़ते हैं, सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 2 जुलाई 1972, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में। खूबसूरत है, पूरी हिमालयन बेल्ट चलती है दोस्तों, और बर्फ से ढका रहता है ये तो ठंडियों में, बहुत ही खूबसूरत है शिमला। वैसे शिमला एग्रीमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में भी हुई थी, 1914 में, लेकिन हम 1972 वाली डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। ये पुरानी वाली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये 1972 वाली है। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हुआ। अब क्या था ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, चलिए मैं आपको फटाक से बता देता हूं दोस्तों। 1905 में बंगाल का बंटवारा हो गया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था, और यहीं से सब कुछ शुरू हो गया, ठीक है। जो फूट है डिवाइड एंड रूल, वो यहीं से ही पड़ गई थी, हिंदू मुस्लिम यहां से डिवाइड हो गए थे। तो 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा। अब उसके बाद हम देखते हैं 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, ब्रिटेन ने डीकॉलोनाइजेशन शुरू किया उपनिवेशवाद की नीति से, उन्होंने बोला कि अब हमको करनी नहीं है, पैसा ही नहीं था उनके पास कहाँ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो बर्बाद हो गया था ब्रिटेन। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत पाकिस्तान दो देश बने। अब इस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया बनाया है, हाल ही में लेक्चर 15 अगस्त के दिन बनाया था, 50 साल की हिस्ट्री कवर की, उसमें आप देख लीजिएगा सारी चीजें। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत दो देश बन गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान एक तो नॉर्थ वेस्ट में बना और एक पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश के पास। अब दोस्तों ऐसा था कि ये वाला जो पाकिस्तान है इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान बोला तो जाता था, लेकिन यहां पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, मूड खराब हो गया। शेख मुजीबुर रहमान जो कि लीडर थे इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के, उन्होंने आवाज उठाई, वो बहुत टाइम से आवाज उठा रहे थे कि हमारे रिसोर्सेस को तो तुम ले जा रहे हो, हमारे यहां जितनी चीजें हैं उसको तो तुम ले जा रहे हो, हम पे इतना जुल्म करते हो और हमको देते कुछ नहीं हो तुम, हमको इलेक्शन लड़ने का भी मौका नहीं देते हो, हमको सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह तुम हमको ट्रीट करते हो, तो ये सब क्या है। इसी दौरान दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान का उदय हुआ, बांग्लादेश को मतलब वेस्ट पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करो, बांग्लादेश बनाओ, वो बिल्कुल उन्होंने आवाजें बुलंद की। 1970 में इलेक्शन हुए और भैया शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई, बहुमत में आ गई, मूड खराब हो गया पाकिस्तान का, बोला ऐसा कैसे हो सकता है। जनरल टिक्का खान को बुलाया, सबके टिक्के बना दिए जनरल टिक्का खान ने, घर घर जाके गांव गांव जाके पकड़ा मारना शुरू किया। सबसे खतरनाक आज तक का इतिहास का ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन था दोस्तों, जब पाकिस्तान ने गांव के गांव को साफ कर दिया, लोगों को मारा, इतने ज्यादा बलात्कार हुए हैं दोस्तों बहुत, इस पे तो एक पूरा अलग ही चैप्टर है कि बांग्लादेश वॉर में कितने ज्यादा रेप्स हुए हैं, ठीक है। और ये भी एक वॉर का वेपन है, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, ठीक है। पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया था बांग्लादेश को और बहुत बर्बरता की है। मेरा पूरा एक सेपरेट सेशन है, आप जरूर देख लीजिएगा।
तो यहां पे हम देखते हैं पाकिस्तान का मूड खराब हो गया और पाकिस्तान ने बर्बरता करनी शुरू कर दी। इधर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। अब हो क्या रहा था कि भैया भारत तो बांग्लादेश से अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश से भर भर के भारत में लोग आ रहे थे, बंगाल में लोग आ रहे हैं, त्रिपुरा में लोग आ रहे हैं, आसाम में लोग आ रहे हैं, रेफ्यूजीज आ रहे हैं। तब जब पता चला अप्रैल को इंदिरा गांधी को कि ये क्या हो रहा है, तब जब कंडीशन बताई, क्योंकि उस समय दोस्तों मीडिया कहां था, प्रिंट मीडिया, अखबार से सारी खबरें आती थी, आप तो सब टेलीकास्ट थोड़ी ना होता था, सोशल मीडिया था नहीं, तो मूड खराब हो रहा है यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ये क्या हो रहा है, सैम मानेकशॉ को बुलाया, पूरी एक मीटिंग की बाकायदा। सैम मानेकशॉ ने बोला, तो इन्होंने बोला कि अगर हम मैम अभी युद्ध करेंगे तो पक्का हारेंगे, और आपकी मैंने अवहेलना की तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन इंदिरा गांधी समझदार थी, उन्होंने बोला कि फिर कब युद्ध करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि वहां पे मॉनसून आने वाला है और प्लस अभी तैयारी में भी वक्त लगेगा, जब हम हमला करेंगे तब मैं आपको गारंटी देता हूं हम जीतेंगे। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ, 16 दिसंबर को खत्म हो गया, 13 दिन के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए भारत का स्टैंड क्या रहा है, भारत का स्टैंड हमेशा ये रहा है कि भारत पाकिस्तान एक ही थे, पाकिस्तान तो भारत का ही पार्ट था ना, पाकिस्तान भारत से निकला, बांग्लादेश भारत से निकला, ये पूरा खंड भारत था दोस्तों, हजारों हजारों साल से चला रहा है, 70 साल से इतिहास खाली ये टूटा है। अगर हम देखें पाकिस्तान अलग हो गया, एक टुकड़ा अलग हो गया, तो भारत हमेशा से यही मानता रहा है कि हम और पाकिस्तान दोनों भाई भाई हैं और अच्छे रिश्ते हमको चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो यही तो अब यहां पे हम देखते हैं कि 1971 में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, बहुत ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा पाकिस्तान को, सारे जो उनके सैनिक थे वो भारत के पास आ गए, दिक्कत हो गई, बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, शेख मुजीबुर रहमान वहां के लीडर हो गए। अब उनकी बायोग्राफी आप जरूर देखिएगा। अब 1972 आता है, छीछा लेदर हो गई पाकिस्तान में, लोग गुस्से में है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। जुल्फीकार अली भुट्टो थे राष्ट्रपति। अब जुल्फीकार अली भुट्टो, वैसे भी पाकिस्तान की अगर आप इतिहास को देखें तो वहां पे डेमोक्रेसी का खाली एक मुखौटा है, वहां जिंदगी कभी भी मतलब डेमोक्रेसी नहीं रही है जब से पाकिस्तान बना है, और वहां डिक्टेटरशिप ही टाइप की रही है, मिलिट्री रूल रहा है अभी भी, वहां का जो प्रधानमंत्री है उसके पास कोई खास पावर होती नहीं है, सब मिलिट्री सब ISI चलाती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। जुल्फीकार अली भुट्टो चाहते थे कि जो संबंध है वो अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो, हम भारत से अच्छे संबंध में, मतलब जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही सुधरे, लेकिन वहां के लोग नहीं चाहते थे, वहां के पॉलिटिशियंस नहीं चाहते थे। आपको बताना चाहता हूं कि जब शिमला एग्रीमेंट, ये शिमला भी उसको उस समय बोला जाता था, अभी तो शिमला है, तो जब ये 2 जुलाई 1972 में मतलब डेलीगेशन आया था पाकिस्तान की तरफ से, पता है कितने लोग डेलीगेशन में आए थे, 84 लोग, जुल्फीकार अली भुट्टो अपने साथ डेलीगेशन में लेके आए थे, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, और ये सब इसीलिए आए थे ताकि देखें अगर इंदिरा गांधी की तरफ से, भारत की तरफ से कोई ऐसी डिमांड आती है जो पाकिस्तान के हित में नहीं है तो सब लोग मिलके बोलेंगे हम नहीं मानते। तो इतने सारे लोगों को लेके आए थे, बाद में जुल्फीकार अली भुट्टो ने इस पर माफी भी मांगी थी कि मैं इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आया है सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उधर जुल्फीकार भुट्टो। वैसे आपको बता दूं कि ये जो पूरा पैक्ट था ये इसलिए था ताकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाए, भारत ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा था जिसपे सहमति नहीं बनी, तो ये डेलीगेशन वापस जाने वाला था 3 जुलाई को, बात नहीं बनी थी, 3 जुलाई को डेलीगेशन वापस जाने वाला था, लेकिन जुल्फीकार अली भुट्टो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। शाम को जब ये डेलीगेशन वापस जाने वाला था 3 जुलाई को, तो 2 जुलाई की शाम को एक बंद कमरे में इंदिरा गांधी जुल्फीकार भुट्टो की मीटिंग हुई, और बाकी जो पाकिस्तान की तरफ के 84 लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे, और कोड वर्ड था कि अगर बातचीत सफल हो जाती है तो हम लोग बोलेंगे बेटा हुआ है, और अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो हम लोग बोलेंगे बेटी हुई है। लेकिन जुल्फीकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को बिल्कुल आश्वासन दिया और बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, रिश्ते सुधरेंगे और हम लोग वापस भाई भाई की तरह रहेंगे। इंदिरा गांधी भी इसमें आ गई, झांसे में आ गई, और इंदिरा गांधी मान गई, शिमला एग्रीमेंट साइन हो गया फाइनली 2 जुलाई 1972 रात में साइन हुआ था दोस्तों, 3 जुलाई को ये सबको पता चल गया, और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था उसने बोला मुबारक हो बेटा हुआ है, यानी कि बात बन गई। लेकिन दोस्तों ये पैक्ट भारत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था,
भारत ने पुरजोर कोशिश की कि इसकी संप्रभुता को जो भी टेक्स्ट है हम उसी के अनुसार चलेंगे। पाकिस्तान ने इस कागज का एरोप्लेन बना के उड़ा दिया। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान सिर्फ चाहता था कि इस पैक्ट के जरिए हम अपनी जमीन ले लें। 5,500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत के पास थी, कब्जा कर लिया था भारत ने 1971 के वॉर के बाद। 90,000 सैनिक भारत के पास थे, भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान के पास थे। भारत ने आज पाकिस्तान ने आज तक वो 54 सैनिक नहीं लौटाए। भारत ने पूरे 90,000 सैनिक लौटा दिए पाकिस्तान को। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ये सिला दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदिरा गांधी तो अपने वर्ड पे, अपने शब्दों पे डिगी रही। अब इसका क्या रीजन है दोस्तों? इसका एक ही रीजन है, कश्मीर। बिल्कुल, कश्मीर को लेना चाहता है पाकिस्तान, और यहां इसी की वजह से वो आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तान की हालत बहुत टाइम से खस्ता हाल है, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है, लोग परेशान है, लोग वहां के बहुत ज्यादा परेशान है। जगह जगह तो भैया जो 4 स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, हर जगह रिवोल्ट हो रहा है। अब क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में आती है तो उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, ऐसी कंडीशन है। और कभी कभी देख के बड़ा दुख होता है, बहुत दया आती है, क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते वहां के पॉलिटिशियंस ही। खैर, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा था, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। ये मैंने डायरेक्टली सरकार की वेबसाइट से ही लिया है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, टेक्स्ट क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो ये बोला था, यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर के हिसाब से, जो यूनाइटेड नेशंस ने बोला है उसी के हिसाब से हम अपने आप को गवर्न करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहली चीज थी। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत हमेशा से ये मानता रहा है और सही भी है कि पाकिस्तान और हम एक ही थे और हम दोनों भाई भाई हैं, साथ में रहना चाहिए। विवाद होता है परिवार में तो आपस में सुलझाया जाता, पड़ोसी को नहीं बुलाते हैं। तो भारत का ये मानना था और पाकिस्तान का भी इसमें मानना था कि जो भी डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट हो, ठीक है, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, हम बायलेटरली सॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा था ना ट्रंप का बयान, जब 370 नहीं हटाता, उससे पहले ट्रंप ने ये बयान दिया था कि हम मध्यस्थता करना चाहेंगे तो बायलेटरली सॉल्व होगा, कोई भी तीसरा इंसान आके टांग नहीं अड़ाएगा, हम इसको, ये हमारे दो देशों की बात है, हम दोनों आराम से बैठ के सॉल्व कर लेंगे चाय पीते पीते, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो ये टेक्स्ट में लिखा है, किस तरीके से पाकिस्तान ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है, बताता रहूंगा एक एक पॉइंट पे कैसे नहीं हुआ। भारत हमेशा से बोलता है हम ये जो मैटर है वो सुलझा लेंगे, पाकिस्तान हमेशा नहीं चाइना को बुलाओ, नहीं अमेरिका को बुलाओ, वो हमेशा तीसरे देश को शामिल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत सही है, पाकिस्तान गलत है, सीधी बात है। पाकिस्तान ने जो कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, वो तो पीओके को पीओके अपना पार्ट भी नहीं बोलता, वो तो उसको आजाद कश्मीर बोलता है यूनाइटेड नेशंस में, वरना उसकी सिचुएशन हिल जाएगी ना। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों यूनिलेटरली मतलब जैसे कोई भी, अगर मान लीजिए ऐसा विवाद है जो पेंडिंग है, जो सेटल्ड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है किसी भी तरीके की, अगर किसी देश में आई है तो वो यूनिलेटरली सॉल्व करेगा, मतलब वो खुद सॉल्व करेगा, अपने देश की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा, किसी दूसरे देश को नहीं इंक्लूड करेगा। ऐसा हुआ पाकिस्तान में, चाइना की कॉलोनी बन गया है पाकिस्तान। जो चाइना बोलता है, पाकिस्तान की हिम्मत इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि चाइना उसके पीछे सपोर्ट कर रहा है, और ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारे लिए तो खतरनाक है ही है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद दोनों लोग बहुत ही आपसी भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे की बॉर्डर को, एक दूसरे की जो जो संप्रभुता है, जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इंटीग्रिटी से रहेंगे, डिग्निटी से रहेंगे, दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, सब कुछ अच्छा होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा, और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारा आपसी मामला है। अब ऐसा हुआ है, 370 हमारा मामला था, पाकिस्तान चला गया, पूरी दुनिया में जा रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा इनफॉर्मल मीटिंग हुई, अभी अमेरिका के पास गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। तो कभी भी पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट की ही नहीं है, ठीक है। और भारत ने इस चार्टर के हिसाब से चला है, भारत ने कभी भी, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत भारत को ही हुई है, आतंकवाद से कोई ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है वो भारत ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है।
उसके बाद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी भैया, एक दूसरे की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और सॉवरेन इक्वालिटी, दूसरे को बिल्कुल आजाद रखेंगे, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से चलेंगे जो उन्होंने प्रिंसिपल्स मतलब दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज थी सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों सरकारें भारत और पाकिस्तान की जो एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है वो नहीं चलाएंगी, भारत में भी पाकिस्तान में भी बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। भारत में लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलते हैं और पाकिस्तान में भी चलते हैं। पाकिस्तान में तो खुले आम हाफिज सईद गालियां देता रहता है भारत की सरकार को, तो ये उसमें था कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी नहीं चलाए जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत की राजनीति नहीं होगी, प्यार की राजनीति होगी। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों कुछ स्टेप्स बताए गए थे कि दोनों देशों को कैसे म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, कैसे दोनों प्रॉस्पर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आसानी से बॉर्डर से लोग आ जा सके, बिजनेस कर सके, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशंस, पोस्टल टेलीग्राफ, समुद्र, लैंड, ये हर जगह से, एयर लिंक्स, हर जगह से आपसी समझौता करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। ट्रैवल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होगी, बॉर्डर्स पे लोग आ जा सकेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार में इसका बहुत बढ़िया प्रोविजन था, लेकिन अगेन फिर मुंबई में अटैक हो जाता है, वहां पे धोखा मिल गया, तो बहुत ज्यादा। उसके बाद प्रॉपर ट्रेड होगा, प्रॉपर कोऑपरेशन होगा, अच्छे से इकोनॉमिकली एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है, अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर बनेंगे ताकि दोनों देश समृद्ध बने। फील्ड ऑफ साइंस एंड कल्चर में प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आके पढ़ेंगे, भारत के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अभी भारत ने एक और कोशिश की थी, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगेन ये सब चीजें क्यों थी, ताकि दोनों ही देशों में पीस एस्टैब्लिश हो सके, 1971 के बाद जो कड़वाहट आई थी इसको कम किया जा सके, और लाइन ऑफ कंट्रोल को हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसको बदला नहीं जाएगा, कोई भी देश इसको बदलेगा नहीं, उधर से शेलिंग नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, रिस्पेक्ट करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आए दिन सीज फायर होता रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल में, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो ये 2 जुलाई 1972 में बोला गया था, इंदिरा गांधी ने साइन किया, जुल्फिकार भुट्टो ने साइन किया, सब कुछ बढ़िया हो गया। जैसे ही पाकिस्तान को अपने सैनिक वापस मिले, अपना क्षेत्र वापस मिला, ये चार्टर क्या है, कौन सा चार्टर, कैसा चार्टर, कैसा पैक्ट, मैं किसी पैक्ट को नहीं जानता, मैं कभी शिमला गया ही नहीं था, तो ऐसे भुला दिया पाकिस्तान ने। और उसके बाद 1980-1990 के दशक में तो कश्मीर में वो हालत हुई है, मैं क्या बताऊं, सड़कें जो है वो एकदम खूनों से लथपथ थी, बहुत दिक्कत, उधर से सीमा पार से बहुत आतंकवाद आया था, ढेर सारे आतंकवादी आए थे, ट्रेनिंग करते थे, आपको सड़कों पे आतंकवादी दिख जाएंगे बंदूक लिए हुए, बहुत ही दिक्कत थी दोस्तों, पॉलिटिशियंस भी वहां पे डरने लगे थे, इतनी बुरी 1990 के दशक में हो गई थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, दोबारा इस चीज को रिस्टोर करने की कोशिश की गई, दोबारा पीस को रिस्टोर करने की कोशिश की गई, 1999 का लाहौर रेजोल्यूशन, अटल बिहारी वाजपेयी पूरी बस लेके चले गए थे परवेश वहां पे नवाज शरीफ से मिले, लेकिन हुआ क्या, ये सब कुछ हुआ उसी साल, अगेन हम देखते हैं कारगिल वॉर हो गया। अब कारगिल पे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, आप देख लीजिएगा, उसी समय कारगिल, उसी साल कारगिल वॉर हो गया, एक तरफ यहां पे अमन चैन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ कारगिल वॉर। मजे की बात तो ये है कि नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं था ऐसा वॉर हो गया, तो आप देख रहे हैं ना, पॉलिटिक्स और आर्मी में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पाकिस्तान को आर्मी चलाती है। परवेज मुशर्रफ पहुंच गए, अब 1972 के डिक्लेरेशन में क्या था, लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट की जाएगी, क्या पाकिस्तान ने की, कारगिल में पूरी तरीके से वॉयलेट कर दी, कारगिल में बड़ी बड़ी चोटियों पे जाके पहुंच गए थे, उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की, तो ऐसे अवहेलना की है। इनफैक्ट दोस्तों भारत के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो भी नहीं दिए पाकिस्तान ने, और भारत ने सब कुछ किया, तो हम हमेशा से पीस टॉक्स के लिए तैयार रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा असर जिस पे पड़ रहा है वो पाकिस्तान पे ही पड़ रहा है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो ये था शिमला एग्रीमेंट, मैंने आपको एक एक चीज बता दी, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।